कुलगाम के ताजीपोरा में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक आतंकवादी ढेर। खुफिया सूचना के बाद आतंकवादियों की हुई घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू के रत्नूचक आर्मी कैंप के पास पकड़े गए दो संदिग्ध, दोनों के मोबाइल फोन जब्त। मोबाइल की पड़ताल से पता चला, पाकिस्तान के कुछ लोगों से संपर्क में थे संदिग्ध, आर्मी स्टेशन की भेजी तस्वीर। सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों ने माना कि पाकिस्तान के हैंडलर से मिले थे कई वीडियो बनाने के लिए पैसे। बाराबंकी में जहरीली शराब से अब तक 17 लोगों की मौत, 19 लोग लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। बाराबंकी में जहरीली शराब से हुई मौत के केस में 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 हिरासत में। जहरीली शराब ने परिवारों को किया बर्बाद, पिता और 3 बेटों की मौत, मां, बहू और 3 बच्चे बेसहारा। अखिलेश यादव का आरोप, सरकारी ठेके से बेची गई जहरीली शराब। अखिलेश यादव ने 20 लाख रुपए मुआवजा देने की रखी मांग, पुलिस की नाक के नीचे मौत का कारोबार। मुंबई में डॉक्टर पायल तड़वी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में 3 आरोपी डॉक्टर्स गिरफ्तार। आरोपी डॉक्टर्स पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप, 3 डॉक्टर्स को किया गया निलंबित। तेलंगाना में एक सिपाही की जांबाजी, कुएं में फंसे 2 मजदूरों की बचाई जान। 60 फीट गहरे कुएं में फंसे थे दोनों मजदूर, इंस्पेक्टर सुजन रेड्डी की बहादुरी बनी मिसाल। नोएडा पुलिस ने पत्नी की पिटाई के आरोप में एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया, सीसीटीवी में कैद हुई पिटाई की तस्वीर। अलीगढ़ अखिल भारतीय हिंदू महासभा की देशभक्ति, छात्र छात्राओं को बांटी गई किताबें और चाकू। शकुन पांडे ने कहा, राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकीकरण था वीर सावरकर का लक्ष्य। झांसी में जिला अस्पताल में फिल्मी गानों पर डांस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रयागराज में होटल पर चला बुलडोजर, होटल के मालिक पर वकील की हत्या का आरोप। गाजीपुर में कोचिंग से घर जा रहे छात्र की गोली मारकर हत्या, साथ ही छात्र फरार। कल दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे पीएम मोदी, शाम 7 बजे से राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। बीजेपी से कटुता के बीच पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगी सीएम ममता बनर्जी, आज पहुंचेंगी दिल्ली। कल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगी ममता बनर्जी, शाम को शपथ समारोह में करेंगी शिरकत, 31 मई को होगी कोलकाता वापसी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे शिरकत, तैयार कर रहे हैं मांग की सूची। विपक्ष के सभी नेता, बड़े नेताओं को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का दिया गया निमंत्रण। पश्चिम बंगाल पट्टी की बीजेपी की नजर, चुनावी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों को पीएम मोदी के शपथ समारोह का दिया गया न्योता। पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने दीदी के कुंबे में लगाई सेंध, टीएमसी के 3 विधायक बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद टीएमसी में मची भगदड़, बीजेपी में शामिल हुए 55 से ज्यादा पार्षद। बीजेपी के मुताबिक 1 जून तक कुछ और टीएमसी विधायक बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, सूत्रों के मुताबिक 6 टीएमसी विधायक छोड़ सकते हैं ममता का साथ। टीएमसी का दावा, सिर्फ 1 विधायक और 6 काउंसलर ने बीजेपी ज्वाइन की, वो भी बंदूक की नोक पर। कर्नाटक में आज विधायक दल की बैठक, सरकार बचाने के लिए मंत्रिमंडल में बदलाव पर विचार करेंगे सीएम कुमारस्वामी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और वरुण गोपाल बेंगलुरु पहुंचे, सिद्धरमैया समेत अन्य समन्वय समिति के लोगों के साथ करेंगे बैठक, मंत्री पद से हटाए जाने वाले नामों पर विचार। गुलाम नबी के साथ बैठक से पहले सिद्धरमैया और गुंडूराव ने सीएम कुमारस्वामी से की मुलाकात। जयपुर में आज राजस्थान सरकार 1 बजे करेगी लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा, सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट रहेंगे मौजूद। जयपुर में होने वाली बैठक में कांग्रेस बीजेपी से जुड़ने की मंशा रखने वाले कुछ नेताओं पर भी करेगी विचार विमर्श। बैठक में जयपुर से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस की उम्मीदवार ज्योति खंडेलवाल भी रहेंगी मौजूद, हार पर लगाए आरोप को लेकर है तनाव। ज्योति ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगाया था चुनाव में मदद न करने का आरोप, राहुल गांधी को लिखा था शिकायती पत्र। कश्मीर संसदीय क्षेत्र में त्राल में पहली बार बीजेपी ने ली बढ़त, जाकिर मूसा और बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों का गढ़ रहा है त्राल।
संघ की आर्थिक शाखा स्वदेशी जागरण मंच ने बढ़ाई पीएम मोदी और अकाली दल की मुश्किल। अकाली दल नेता हरसिमरत कौर का जोड़ा वॉलमार्ट कनेक्शन। आरोपों के मुताबिक खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहते हरसिमरत बादल ने भारत में रिटेल में वॉलमार्ट के लिए दरवाजे खोले। वार्म अप मैच में भारत ने बांग्लादेश को 95 रन से हराया। धोनी राहुल के शतक की बदौलत दिया था 360 का लक्ष्य। अर्धशतक से चूके कप्तान विराट कोहली 46 गेंद पर 47 रन बनाकर लौटे पवेलियन। बांग्लादेश के खिलाफ भी खुली भारतीय ओपनिंग की पोल। शिखर धवन एक और रोहित शर्मा 19 रन बनाकर आउट। वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 91 रन से हराया। शाय होप के शतक और आंद्रे रसेल की हाफ सेंचुरी की मदद से 422 रन का लक्ष्य दिया था। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले वर्ल्ड कप के उद्घाटन मैच से बाहर। कंधे की चोट से उबर पाने में नाकाम। सीरिया के इडलिब में हवाई हमले की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। कब्रिस्तान में तब्दील दिखा पूरा शहर। हवाई हमले में ढहे मकानों में मलबे में दबे तमाम लोग। रेस्क्यू मिशन की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। अमेरिका के ओहायो में तूफान से तबाही। तमाम घर हुए क्षतिग्रस्त। अर्जेंटीना में गर्भपात से जुड़े नए कानून का विरोध। सड़कों पर उतरी महिला प्रदर्शनकारी। बेल्जियम के ब्रसेल्स में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।